ले केलिस। कहानी की शुरुआत में हम जूलिया नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो रात को एक बार से अपने घर जा रही थी। फिर वो अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है और उससे कहती है कि अब वो घर आ रही है। लेकिन यहाँ हम समझ पाते हैं कि दरअसल वो अपने बॉयफ्रेंड को चीट कर रही थी। जूलिया जब अपनी गाड़ी के पास पहुँचती है तो अचानक से उसकी चाबी गाड़ी के नीचे गिर जाती है, और वो जब चाबी को ढूंढने लगती है तो अचानक उसे पीछे से कुछ आवाज आती है। लेकिन जब वो पीछे है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। उसे इग्नोर करके वो चाबी की तरफ हाथ बढ़ाती है, लेकिन तभी कोई उसे झाड़ियों में खींच कर ले जाता है और उसे जान से मार डालता है। उसके बाद हमें कुछ महीने बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ हम थॉमसन फैमिली को देखते हैं, जो कि उसी टाउन के थे। लेकिन वो लोग टाउन से अलग सिटी में सेटल हो चुके थे, लेकिन हर साल विंटर्स के वक्त वो यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आते थे। इस फैमिली में एक कपल ग्रेग और नेटली और उनकी इकलौती बेटी सारा होती है, और सारा अपने साथ वहाँ पर रायन को भी लाई थी, जो कि उसका बॉयफ्रेंड था। उनके रिलेशनशिप को भी एक ही साल हुआ था, जिसकी वजह से उसका पिता भी उसके लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसका मानना था कि उसे उस लड़के को अच्छी तरह जान लेना चाहिए और इसके बाद ही शादी करने का सोचना चाहिए। कुछ देर बाद वो सभी अपने घर पहुँचते हैं, जहाँ पर ग्रेग सारा से कहता है कि वो उसकी माँ के साथ ग्रोसरी स्टोर जा रहा है, तो अगर उसे कुछ चाहिए तो वो बता दे। लेकिन सारा उससे कहती है कि उसे फिलहाल कुछ भी नहीं चाहिए। उसके बाद वो दोनों ग्रोसरी स्टोर की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ पर रास्ते में उन्हें एक पुलिस वाला गाड़ी रोकने के लिए कहता है। और जब वो गाड़ी रोकते हैं तो ग्रेग उससे पूछता है कि उसकी गाड़ी रोकने का क्या वजह है, तो वो उसे बताता है कि उसे पता होना चाहिए कि आखिर उसके टाउन में कौन लोग आ रहे हैं। ग्रेग उससे कहता है कि उसे पता है कि वो लोग कौन हैं, और वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। उसके बाद वो दोनों स्टोर के बाहर पहुंचते हैं, जहां पर ग्रेग अपनी वाइफ नेटली से कहता है कि वो अंदर जाकर सामान खरीद ले और वो बाहर उसका इंतजार करेगा। इधर सारा अपने बॉयफ्रेंड रायन से कहती है कि क्यों ना वो बाइक पर राइड करने के लिए जाएं। तब रायन उस बाइक के आगे एक कैमरा लगा देता है और उसे बताता है कि वो शूट करेगा। उसके बाद वो बाइक राइड पर निकल जाते हैं, जहाँ उन्हें काफी मजा आता है। इधर नेटली एक स्टोर में पहुँचती है, जहाँ पर उसे उसकी दोस्त जैन मिलती है, जिसे देखकर वो काफी खुश हो जाती है, और जैन भी उसे देखकर काफी खुश थी। वो उससे पूछती है कि अब वो कितने दिनों के लिए यहाँ पर आए हैं, तो नेटली उसे बताती है कि वो यहाँ पर कुछ ही दिनों के लिए आए हैं और उसकी बेटी के साथ उसका बॉयफ्रेंड भी यहाँ पर आया हुआ है। जैन उससे कहती है कि टाइलर भी उसकी बेटी के बारे में ही बातें करता रहता है, और अब वो यहाँ पर आई है तो वो उससे मिलने जरूर आएगा। दरअसल टाइलर जैन का बेटा होता है, जो कि सारा का बचपन का दोस्त था। और सारा और रायन जब बाइक पर होते हैं तो अचानक से सारा को कुछ फुटप्रिंट्स नजर आते हैं, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है और सोचती है कि आखिर यहाँ पर कौन आया होगा। रायन उससे कहता है कि वो उसे इग्नोर करे, क्या पता उसके पिता वहाँ पर आए हों, और वो इस बात को इग्नोर करती है, और वो दोनों फिर से राइड पर निकल जाते हैं। इधर नेटली जब वापस जा रही होती है तो वहाँ पर उसे कार्ल मिलता है, जो कि उसके बचपन का दोस्त था, और वो मन ही मन उसे पसंद किया करता था। और नेटली उसे देखकर खुश होती है और उससे कहती है कि क्यों ना वो उसके घर कभी आए। ये सुनकर वो खुश हो जाता है और उससे कहता है कि वो वहाँ पर जरूर आएगा। इधर रायन सारा को एक जगह पर लेकर जाता है, जहाँ पर वो रिंग दिखाकर उसे प्रपोज करता है, और सारा ये देखकर खुश हो जाती है और उसे हाँ कर देती है। इधर नेटली अभी स्टोर में ही होती है कि शेरिफ वहाँ पर आ जाता है और उसे देखकर उसका मूड खराब हो जाता है। जैन उसे बताती है कि कुछ महीने में वो रिटायर होने वाला है, क्योंकि वो बूढ़ा हो गया है। कुछ देर बाद नेटली और ग्रेग जब घर वापस आते हैं तो सारा उन्हें अपनी रिंग दिखाती है और उनसे कहती है कि वो दोनों शादी करने वाले हैं। ये सुनकर उसकी माँ उसे गले लगा लेती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खुश थी। लेकिन उसका पिता इससे बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि उसका यही मानना था कि वो एक साल में उस लड़के को अच्छे से जान नहीं पाई है। अब क्रिसमस ईव होता है तो जेन अपने बेटे टाइलर के साथ उनके घर में आती है, जहाँ टाइलर सारा को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है, और वो उससे कहता है कि कुछ दिनों से वो बार में परफॉर्मेंस कर रहा है, तो कभी वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ आए उसका सिंगिंग सुनने के लिए। ये सुनकर सारा उससे कहती है कि वो वहाँ पर जरूर आएगी। नेटली जब उन्हें घर में रुकने के लिए कहती है तो जेन उससे कहती है कि वो यहाँ पर नहीं रुक सकते, क्योंकि उन्हें इससे प्रॉब्लम होगी। ये कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, और जब वो उनका दिया हुआ प्रेजेंट खोलते हैं तो उसके अंदर
अंदर सारा और टाइलर की फोटो थी और रैन जब ये देखता है तो उसे काफी ज्यादा जलन होती है। इसीलिए वो सारा से पूछने के लिए जाता है कि आखिर टाइलर और उसके बीच क्या था। सारा उसे बताती है कि दरअसल टाइलर उसके बचपन का दोस्त था और इससे ज्यादा उनके बीच कुछ भी नहीं हुआ था। यह सुनकर रैन खुश हो जाता है और उससे कहता है कि वो जल्द शादी कर लेंगे। कुछ देर बाद जब रैन बाहर जाता है तो वो ग्रेग और नेटली को बात करता हुआ पाता है जो कि उसी के बारे में बात कर रहे थे कि उनका दामाद बिल्कुल भी नहीं कमाता जिससे उनकी बेटी को दिक्कत हो सकती है। ग्रेग नेटली से कहता है कि वो इस शादी के खिलाफ है, उसे नहीं लगता कि वो एक अच्छा लड़का है जो कि उसकी बेटी को खुश रख पाएगा। रैन को यह सुनकर बहुत ही बुरा लगता है और कुछ देर बाद ग्रेग जब अपनी गाड़ी में गैस भराने के लिए जा रहा होता है तो सारा उससे कहती है कि क्यों ना वो उसके फियांसे को भी उसके साथ ले जाए और ये सुनकर वो मान जाता है और उसे साथ ले जाने लगता है। जब वो वहां पर पहुंचता है तो वो उससे पूछता है कि क्या उसे स्टोर से कुछ चाहिए, तो रैन उससे कहता है कि उसे कुछ बियर्स चाहिए। उसके बाद वो स्टोर के अंदर जाता है जहाँ पर डिप्टी रीड आ जाता है जो कि उससे पूछता है कि सारा कैसी है, तो ग्रेग उसे बताता है कि सारा बिल्कुल ठीक है और वो यहाँ पर अपने फियांसे के साथ आई है। ये सुनकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो ग्रेग से बदतमीजी से बात करने लगता है। उसके बाद डिप्टी रीड बाहर जाता है जहाँ वो रैन से कहता है कि अपने समय में सारा एक फायर क्रैकर थी जिसके पीछे बहुत सारे लड़के हुआ करते थे, और ये सुनकर रैन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन तभी ग्रेग वहाँ पर आकर डिप्टी को वहाँ से भगा देता है जिससे ग्रेग समझ जाता है कि दरअसल वो उन्हें बस परेशान कर रहा है। रायन ग्रेग से कहता है कि उस डिप्टी ने उसकी बेटी के बारे में ऐसा कुछ कहा, तो वो उससे कहता है कि दरअसल ये लोग उससे चिढ़ते हैं क्योंकि वो इन सबको छोड़कर शहर चली गई और सभी इसी टाउन में रह गए। रात को वो सभी जब बैठे होते हैं तो न्यूज में जूलिया की मिसिंग रिपोर्ट आ रही होती है जहाँ पर यह बताया जा रहा था कि अभी तक उसकी लाश नहीं मिली है। ये देखकर सारा हैरान हो जाती है क्योंकि वो जूलिया को पर्सनली जानती थी और उनके टाउन में मर्डर जैसी कोई चीज नहीं होती थी। तभी उनके घर के बाहर कार लाता है जो कि उसकी माँ से मिलने आया था, लेकिन ग्रेग वहाँ पर आकर उससे पूछता है कि आखिर उसे क्या चाहिए, तो वो उसे बताता है कि दरअसल वो यहाँ पर फायर वुड्स देने के लिए आया था। तब ग्रेग उससे कहता है कि अगर उसने वुड्स दे दिया हो तो वो यहाँ से निकल सकता है। ये सुनकर कार्ल को काफी बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद ग्रेग रायन से कहता है कि वो बाहर से कुछ फायर वुड उठा कर ले आए, और जब वो बाहर जाता है तो उसे जंगल के अंदर से कुछ आवाज आती है, लेकिन वो उसे इग्नोर करता हुआ घर के अंदर चला आता है। तभी हम उसके लगाए हुए कैमरे में देखते हैं कि उनके गैराज में एक बंदा आ जाता है जो कि उस कैमरे को उठाकर अपने साथ ले जाता है। उसके बाद सैरा जब नहाने के लिए जाती है तो उसे फील होता है कि शायद उसे कोई देख रहा है, लेकिन जब वो पर्दे के पीछे देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। उसके बाद सारा रायन के पास जाती है और उसे एक प्रेजेंट देती है, और जब वो उसे खोलता है तो उसके अंदर बहुत ही महंगी घड़ी थी जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अगले दिन रायन और सैरा सेलिब्रेट करने के लिए बाहर जाते हैं जहाँ रायन सैरा से पूछता है कि उसे लगता है कि उसके पिता उसे पसंद नहीं करते, लेकिन सैरा उससे कहती है कि दरअसल वो कुछ प्रोटेक्टिव हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि शायद वो सही लड़का नहीं है, लेकिन वो अंदर से जानती है कि वो बिल्कुल सही लड़का है। उसके बाद वो सभी घर में जाते हैं जहाँ वो एक दूसरे को प्रेजेंट्स देते हैं, और रायन अपने ससुर के लिए कुछ सिगार्स लेकर आया था क्योंकि उसे सिगार्स बहुत ज्यादा पसंद थे। ये देखकर ग्रेग काफी खुश हो जाता है और उसे अब कहीं न कहीं रायन पसंद आने लगा था। तभी हम उस कातिल को देख पाते हैं जो उस कैमरा के थ्रू उन पर नजर बनाए हुए था। उसके बाद रायन और सैरा टाइलर का परफॉर्मेंस देखने के लिए जाते हैं जहाँ पर टाइलर जब परफॉर्म कर रहा होता है तो रायन को काफी ज्यादा जलन होती है क्योंकि वह उससे ज्यादा स्मार्ट था और उसे डर था कि कहीं सारा उसकी न हो जाए। सारा उससे कहती है कि वो जलना बंद करे क्योंकि वो उसकी फियांसे है और वो सिर्फ उसकी है। गाना खत्म होने के बाद टाइलर उनके पास आता है और उनसे कहता है कि आज की ड्रिंक्स उसकी तरफ से है, और एंजॉय करके वो सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। रात को जब वो सभी सो रहे होते हैं तो अचानक से उन्हें बाहर से कुछ आवाज आती है, और जब वो बाहर जाते हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। ये देखकर ग्रेग अपनी गन निकाल लेता है क्योंकि उसे पता था कि यहाँ पर जरूर कोई खतरा होने वाला है, लेकिन जब वो गन लेकर बाहर जाता है तो अचानक से कोई उसे शूट कर देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। तभी वो सभी उस
कातिल को देख पाते हैं जिसने मास्क पहना हुआ था, और वो ग्रेग के छोटे छोटे टुकड़े करने लगता है जिससे कि उसका परिवार काफी डर जाता है और वो अपने आप को वहां पर लॉक कर लेते हैं। रायन सैरा और नेटली से कहता है कि वो चिंता ना करें, वो उन्हें यहाँ से बाहर निकालेगा, लेकिन तभी अचानक लाइट्स चली जाती हैं। तभी वो कातिल अंदर घुसता है जिसकी वजह से वो सभी बहुत डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं, और भागते हुए वो तीनों अचानक से सेपरेट हो जाते हैं। तभी रायन सारा के पास आता है और उसे कहता है कि उन्हें उसकी माँ को ढूंढना पड़ेगा। अब गोली की आवाज सुनकर वहां पर कार्ल भी आता है, लेकिन तभी वो कातिल कार्ल के गले में चाकू घुसा देता है। उसके बाद वो दोनों वापस घर में जाते हैं अपनी माँ को ढूंढने के लिए, और पर्दे के पीछे उन्हें नेटली नजर आती है जो कि वहीं पर छुपी हुई थी। वो उसे कहते हैं कि उन्हें अब यहाँ से बाहर निकलना होगा, लेकिन तभी एक कातिल अंदर आ जाता है तो अब वो सभी वहां से भागने लगते हैं। सैरा उनसे अलग हो जाती है और नेटली गाड़ी से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है जिससे वो वहीं बेहोश हो जाती है, और रैन को लगता है कि शायद वो मर गई है, इसलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने के लिए जाता है। लेकिन उसे वहां पर उसका टॉर्च मिलता है जिससे वो समझ जाता है कि जरूर उस कातिल ने उसे पकड़ लिया होगा। इधर हम सारा को देखते हैं जहां उस कातिल ने उसे बांध कर रखा हुआ था, और उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर रैन वहां पर आता है और उसे छुड़ा कर अपने साथ ले जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक वहां पर टाइलर आ जाता है जो कि उनसे पूछता है कि उन्हें क्या हो गया है, तो वो दोनों उसे बताते हैं कि एक कातिल उनके पीछे पड़ गया है। रायन सारा से कहता है कि उसे टाइलर ही कातिल लग रहा है क्योंकि वो यहाँ पर अचानक कैसे आ गया। टाइलर उससे कहता है कि उसे गोली की आवाज आई थी, लेकिन तभी अचानक कातिल उस पर पीछे से वार करता है जिससे टाइलर की मौत हो जाती है, और वो दोनों ये देखकर डर जाते हैं। उस गोली की आवाज सुनकर वहां पर शेरिफ भी आ गया था, और जब वो वहां पर पहुंचता है तो वो कातिल उस पर भी अटैक करके उसे बंदी बना लेता है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक नहीं बल्कि दो कातिल हैं। शेरिफ उनसे कहता है कि वो मरना नहीं चाहता, लेकिन वो लोग उस पर पेट्रोल छिड़क देते हैं और उसे जला देते हैं। इधर सैरा जब अकेली भाग रही होती है तो उसे एक कातिल नजर आता है जिसे पकड़कर वो उसका चाकू छीन कर उसे स्टैब करने लगती है, लेकिन तभी वो देखती है कि उस कातिल के हाथ बंधे हुए हैं और उसने जो घड़ी पहनी है वो रायन की घड़ी है, और समझ जाती है कि दरअसल उन कातिल की चाल है। जब वो उसका मास्क हटाती है तो देखती है कि वो कोई और नहीं बल्कि रायन ही था। अपने बॉयफ्रेंड को मारने के बाद उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन तभी वहां पर वो कातिल आ जाते हैं जो कि उसे किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने सामने उन दोनों को देख पाती है, और वो दोनों जब अपना मास्क हटाते हैं तो वो देखती है कि वो जेन और टाइलर हैं। वो उससे पूछती है कि वो तो मर गया था। तब टाइलर उसे बताता है कि उन लोगों ने उसे बेवकूफ बनाया और वो बचपन से उसे बहुत ज्यादा प्यार करता है जिसकी वजह से वो उसे किसी और का होता हुआ नहीं देख सकता, और उसने जूलिया को भी डेट करने की कोशिश की थी लेकिन वो धोखेबाज निकली, इसीलिए उसने उसे मौत के घाट उतार दिया। लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं है, वो दोनों अब शादी करके हमेशा खुश रहेंगे। उसके बाद जेन जब बाहर जाती है तो अचानक से जेन को कोई शूट कर देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है, और टाइलर उस गोली की आवाज सुनकर हैरान हो जाता है और सारा को छुड़ाकर अपने साथ ले जाने लगता है। लेकिन तभी उसे भी गोली लग जाती है जिससे टाइलर की भी मौत हो जाती है, और हम देखते हैं कि सारा की माँ ने उन्हें मारा था जो कि अभी जिंदा थी, और अपनी बेटी को उसने बचा लिया था। तभी हम कैमरा में देख पाते हैं जहाँ पर रिकॉर्डिंग चल रही थी, और हम वहाँ पर तीसरे मास्क पहने कातिल को देखते हैं जो कि उन सबको देख रहा था, और जब वो मास्क उतारता है तो हम देखते हैं कि वो डेप्यूटी रीड है जो कि दरअसल टाइलर का ही भाई था, और अब वो उन दोनों को जान से मार डालेगा। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।